बीमारी भी बढ़ जाएगी। जी आपका नाम बताइए। जी मैम, तो आज क्या मांगों के लेकर प्रदर्शन किया? देखिए ये मांगे कोई आज की नहीं है, पुरानी मांगे हमारी सारी। अगस्त में हमने जो पंचायत मंत्री देवेंद्र भट्टी सिंह जी इनके जो विधानसभा क्षेत्र है टोहाना में वहाँ पे प्रदर्शन किया था, वहाँ पे इनके साथ वार्ता हुई और उस वार्ता में उन्होंने हमारी जो तमाम मांगे हैं उनके लिए कहा था कि आपकी जायज़ मांगे हैं और मैं विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जल्दी से जल्दी इनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उस संदर्भ में अगस्त से लेकर दिसंबर आ गया, 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से उस संदर्भ में कोई भी जो है प्रोग्रेस नहीं हुई और इसीलिए आज हमें यहाँ पे पहुँचना पड़ा है। और कमाल की बात यह है कि जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी कल रात को 12 बजे यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए थे और अब हमें लगभग 20 घंटे हो गए हैं पंचकुला के अंदर। कल की रात भी हम पंचकुला के यहाँ यमुनिका पार्क में रात को यहीं पे थे, हमें पूरा दिन बीत गया और अब हम यहाँ पे हैं। मंत्री ने अब हमारा डेलीगेशन बुलाया है बातचीत करने के लिए और बातचीत किया क्या है, मांग क्या है, ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि हमारी अनुचित हो, नाजायज़ मांग हो। तमाम जो है मांगे उनकी स्वीकृति के अनुसार हैं, हमारे संविधान के अनुसार हैं। 15 साल से जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई का काम कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको जो है कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा है, उनके लिए पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, PF और ESI की सुविधा लागू की गई थी वो भी अभी तक मिली नहीं है और PF का पैसा कर्मचारी के खाते से कट गया है लेकिन वो कहाँ जमा हुआ है आज तक भी ये कर्मचारी को इस बात का नहीं पता है। यही तमाम हमारे मुद्दे हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि जो समान काम है उसके लिए वेतन समान होगा लेकिन जो है हमारे इसी हरियाणा के अंदर जो नगर पालिका के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, जो शहरों के अंदर सफाई का काम करते हैं उनके वेतन में और ये जो गांव के अंदर सफाई का काम करते हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी इनके वेतन के अंदर भेद है। तो हमारी मांग ये है कि जो वेतन विसंगति है ये तुरंत दूर की जानी चाहिए, सफाई करने के लिए जो हमें औजार चाहिए वो औजार मुहैया करवाए जाने चाहिए। ये तमाम जो है चीज़ें हमारी यहाँ पे हैं, इन्हीं मांगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आज दिन में बातचीत इसके ऊपर मंत्री ने अपने जो ऑफिस का स्टाफ है उसके PA हैं, 2-3 सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा कि आज तक आप लोगों ने फीडबैक इनको क्यों नहीं दी। जब विभागीय मीटिंग हो चुकी उसके अंदर कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हो चुकी लेकिन आपने फीडबैक क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर उन्होंने अपने उन PA और सेक्रेटरीज उन लोगों के ऊपर एक डांट फटकार लगाई है और ये कहा है कि मेरी तरफ से कार्रवाई चल रही है। अब ये सवाल हम पार्क में भी कर रहे थे, भाई कुछ सवाल है, पहले से आदेश जो जारी हो चुके, नोटिफिकेशन जारी हो चुके, उनको लागू करवाने का उसके ऊपर पहले बता दिया मंत्री ने भी डायरेक्टर को फोन करके, अभी कहा है कि जो पहले से तयशुदा मसले हैं उनके ऊपर चिट्ठियां बिना किसी देरी के कल ही जारी होनी चाहिए। ये वर्दी भत्ता बताया है और जो PF ESI का मसला है ये किसी भी सूरत में मामला लंबित नहीं रहना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई हो ये उन्होंने कहा। हमने कहा जी ये तो पहले से ही तयशुदा मामले हैं लेकिन सवाल जो वेतन बढ़ोतरी का है, 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी लगान का है, वर्दी दुढ़ाई भत्ते का है, पक्के होने का है, ये जो मसले हैं ये अभी भी जो के त्यो खड़े हैं इनके ऊपर निपटारा होना चाहिए। तो मंत्री ने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से फाइल तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेज दी और मैं आप लोगों के लिए इस पूरे हालात के अंदर जो बेहतर लिख सकता था अपनी तरफ से कर सकता था वो मैंने किया है। आप वैसे कल दोबारा आके पता कर लो क्या क्या किया है।
और अब अगला काम सरकार का है। सरकार का मतलब है, सरकार का मतलब है मुख्यमंत्री का है कि वो कट्टा मारेगा कि उन्हें पास करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, दोनों मंत्रालय से के पास है। आखिरकार सारी बातचीत होने के बाद हमने ये तय हुआ हमारे बीच में 29 जनवरी को, पहले महीने की 29 तारीख ने पूरे हरियाणा के पंचायत विभाग के अफसर, बड़े से बड़ा अफसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस और पंचायत विभाग का डायरेक्टर, इनकी मौजूदगी में और मंत्री मीटिंग करेगा, अपनी यूनिट के डेलीगेशन साथ में बैठेगा, पूरे हरियाणा के अधिकारी उसके अंदर बैठेंगे, यूनिट बैठेगी अपनी, मंत्री होगा 29 तारीख को, 29 जनवरी को। उससे पहले पहले मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करनी है, एसीएस से बात करनी है, डायरेक्टर से बात करनी है, जिससे भी बात करनी है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करेगा। आज ये 29 तारीख की मीटिंग तय हुई है दोबारा आपके आंदोलन के दम पे। अगली बात है भाई, 29 तारीख न जाइयो फिर न्यू के देतो के करा, हमने के हम कह के आए हैं, कह के आया मंत्री ने, आज तो आए थे ट्रेलर दिखाने में, कदे न्यू सोचता है कि ये निपट लिया सौदा इनका ना, आज एक दिन खातर आए थे और ये तय करके आए थे मंत्री तो मिलके आना है, रात के 10 बज जाएंगे हमारे बैठे हैं तेरे दफ्तर में तेरे पास, अगर 10 बजे भी उल्टे गए तो हमारे सैनिक 10 बजे तक मोर्चे पे रहेंगे, हटेंगे नहीं, हम उसको कह के आए और हम यहां भी कह आए। अगली 29 जनवरी ने वही मीटिंग, 29 जनवरी से पहले पहले जो कार्रवाई करनी है कर लो, 29 जनवरी में रिजल्ट चाहिए, 29 जनवरी में अगर रिजल्ट नहीं होया तो भाई अगले गेड़ा आड़े को नहीं आओ। एक महीने बाद एक भाई कहते ना पार्क में, बोले चाहे भिन्ने बैठना पड़ियो, बोले क्यों मैं जिले पे अपन ने तय किया 1 फरवरी से लेके और 10 फरवरी तक हर जिला सत्र पे पड़ाव डालेंगे, बड़े हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर 1 से 10 फरवरी तक पड़ाव होंगे पूरे हरियाणा के अंदर। इसलिए दोस्तों भाइयों बहनों, ठंड बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने तकलीफ उठाई इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम भी जितने नेता हैं वो रात से आपके साथ ठंड में भूख में जो भी है उसके अंदर रहे हैं। लेकिन भाई एक बात मान के चल पड़ो, सुरेखा कितनी सुथरा भाषण दे दी हो, विनोद कितना सुथरा भाषण देता हो, जय भगवान कितना पढ़े लिखे हो, और अपने नेता कितने लड़ाता हो, इनने देख के या सरकार की मैं कोनी दे या थारी ताकत ने देख के देगी, थारे में जितना दम होगा उस आधार पे हासिल हो पाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर नेताओं का सबका आपको रास्ता दिखाना ये जिम्मेदारी बढ़ती है, रास्ता दिखा रहे हैं आप, कोई सत्य नहीं है, कोई दोराय नहीं है।